भोज ने आज ही के दिन 1034 में 989 वर्ष पूर्व इस परिसर का निर्माण कर माँ सरस्वती की स्थापना कर जन्मोत्सव मनाना प्रारंभ किया था। उस समय 40 दिवसीय मनता था। उसी परंपरा का निर्वाह करते हुए आज 989वां सरस्वती जन्मोत्सव ढाका हिंदू समाज मना रहा है। आप देख रहे हैं कि सूर्योदय के साथ ही सरस्वती यज्ञ प्रारंभ हो चुका है, श्रद्धालु दर्शन करना प्रारंभ हो गए हैं। अभी कुछ समय पश्चात 11 बजे उदाजीराव चौराहे से शोभा यात्रा प्रारंभ होकर यहाँ पर गर्भगृह में पहुँचेगी। मोतीबाग चौक पर धर्मसभा होगी, जिसे हमारे वरिष्ठ प्रचारक इंद्रेश कुमार जी और राज्यसभा सदस्य सुमेर सिंह जी सोलंकी संबोधित करेंगे। सभा के पश्चात यहाँ महाआरती होगी और महाआरती के पश्चात संध्या को पूर्णाहुति के साथ ही आज के कार्यक्रम का समापन होगा। अभी 9 बजे से जो हमारे हिंदू धर्म में 16 संस्कारों का महत्व है, और जिस एक संस्कार जो वेदारंभ संस्कार, चूंकि ये पाठशाला है, यहाँ पर राजा भोज काल में भी वेदारंभ संस्कार जो भी पढ़ने आता था उसका ये संस्कार होता था। उस संस्कार को हमने पिछले 15 वर्षों से प्रारंभ किया है, जो अभी यहाँ पर 9 बजे प्रारंभ हो जाएगा, जो संध्या काल तक चलेगा। 2.5 वर्ष से 5 वर्ष का बच्चे बालक जो पहली बार विद्यार्थी के लिए आता है उसके लिए संस्कार होता है। इस संस्कार को यहाँ हमने विधि विधान से पूर्ण करेंगे पंडित देवेंद्र जी आचार्य। कल इसी स्थान पर मातृशक्ति सम्मेलन होगा, जिसे संबोधित करेगी भागवताचार्य सिया भारती जी, और कन्या पूजन भोजन के साथ कार्यक्रम का समापन होगा। सांस्कृतिक कार्यक्रम, कवि सम्मेलन और खाटू श्याम जी की आरती होने वाली है। आज बसंत पंचमी का उत्सव है, ये हमारे धार में तो बहुत ही जोर शोर से मनाया जाता है, और हम यहाँ सुबह जल्दी उठकर यज्ञ में बैठते हैं, प्रतिवर्ष आते हैं हम यहाँ पे, और यहाँ पे जो हमारी माता जी का दर्शन करते हैं, और जो हमारी माता जी यहाँ नहीं है उसके लिए हमें बड़ा ही दुख होता है। यह जल्दी से जल्दी हमारी माता जी को यहाँ स्थापित करना चाहिए, और इसके लिए मैं यही कहना चाहूँगी कि सभी लोगों को यहाँ सब दर्शन करने आना चाहिए। Om Govinde Hatha Vachala Namaha।